Hello students, welcome to my channel Alka Classes. Today I will explain 12th class second poem, an elementary school classroom in a slum. Poet name Stephen Spender. His full name is Stephen Harold Spender, who was born in 1909 in England. He was a great poet, essayist and novelist. Students, this poem is social satire. Satire means ki society ke upar ek comment hai poem. And this poem is a part of a book. And name of that book is The Goat That Failed. The Goat That Failed, which was published in 1949. In this poem, the poet describes the importance of education for slum children. Slum means dirty settlement, जिसको हम बोलते हैं झुग्गी झोपड़ी. तो इस पॉइंट में जो चिल्ड्रन झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कैसे वो अपना सरवाइव करते हैं, कैसे लाइफ वो स्पेंड करते हैं, ये सब डिस्क्राइब किया गया है. एंड दिस इज ए लिरिकल पोयम. फ्रेंड्स, थीम ऑफ दिस पोयम इज सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज. इस पोयम में दो थीम है, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज. नाउ Far, far from gusty waves, these children's faces. Students, मैं आपको ये poem with poetic device, with difficult words बताऊंगी, तो आपको इसको ध्यान से देखना है. Far, far. जैसे कि मैंने बताया था कि इस poem में poet है वो slum children को describe करता है. जो children slum area में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके बारे में poem बताई गई है. तो वो बच्चे कैसी लाइफ अपनी स्पेंड करते हैं, उनकी कंडीशन बहुत ही मिजरेबल रहती है, कैसे वो पैथेटिक कंडीशन में रहते हैं. आपने देखा होगा कि कैसे उनके बाल है वो हमेशा अनकॉम्ब रहते हैं, उनके जो क्लोज होते हैं बिल्कुल ही टोन आउट रहते हैं और वो फिजिकली वीक होते हैं. ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे, तो उनकी इमेज है वो आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि कैसे वो बच्चे दिखने में है और कैसे वो बच्चे स्टडी में है. तो यहाँ पे ये पोएम है, इसमें एक स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल मीन्स स्लम एरिया है, उसमें एक एलिमेंट्री स्कूल है. एलिमेंट्री मीन्स प्राइमरी स्कूल है. तो एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम के कुछ बच्चे हैं, उनको इसमें डिस्क्राइब किया गया है. दिस पोएम कंसिस्ट फोर स्टैंजा. इन स्टार्टिंग थ्री स्टैंजास द पोइट डिस्क्राइब्स प्रॉब्लम ऑफ दो चिल्ड्रन एंड इन द लास्ट स्टैंजा ही डिस्क्राइब द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम. कि इन बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, ये डिस्क्राइब किया गया है स्टार्टिंग के थ्री स्टैंजास में. और लास्ट में डिस्क्राइब किया गया है कि उसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है, कैसे इन बच्चों की लाइफ चेंज हो सकती है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता है. तो स्टार्ट करते हैं. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस. फार फार, अब देखो यहाँ पे एक ही वर्ड है वो रिपीट किया गया है, फार फार. तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस कौन सी होगी, रिपीटेशन होगी. अब यहाँ पे साथ साथ हम क्वेश्चन भी डिस्कस करते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन बनता है. तो यहाँ पे है कि व्हाई द पोएट यूज फॉरवर्ड टू टाइम्स टू शो अ लार्ज डिस्टेंस. बहुत ज्यादा डिस्टेंस को शो करने के लिए यहाँ पे इस वर्ड का दो बार यूज किया गया है. फ्रॉम गस्टी वेव्स. गस्टी मीन्स ब्लोइंग स्ट्रॉन्गली, मीन्स बहुत ही झोंकेदार, बहुत तेज. एंड यू कैन से फुल ऑफ एनर्जी. दी चिल्ड्रंस फेसेस. इस पोएम में जहां पे दी चिल्ड्रन का यूज हुआ है वो हुआ है स्लम चिल्ड्रन के लिए. जो स्लम एरिया में रहते हैं उन बच्चों के लिए हुआ है दी चिल्ड्रन का यूज. द फेसेस ऑफ दी चिल्ड्रन आर वेरी फार अवे फ्रॉम द एनर्जी एज दे शुड बी. कि इन बच्चों के फेस है वो उस एनर्जी से बहुत ही दूर है जो उनके अंदर होनी चाहिए. मीन्स उन बच्चों के अंदर एनर्जी है ही नहीं. तो यहाँ पे फार फार में डिवाइस रिपीटेशन है क्योंकि दो बार रिपीट किया गया ये वर्ड. और दो बार क्यों किया गया है, टू शो ए लार्ज डिस्टेंस, कि मतलब एनर्जी वो बिल्कुल भी नहीं है. लाइक रूटलेस बीड्स. यहाँ पे डिवाइस हो जाएगी सिमली. लाइक रूटलेस बीड्स. रूटलेस, रूटलेस मीन्स विदाउट एनी अटैचमेंट, अपरूटेड.
अब जैसे कि वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, कि जैसे कि हम हिंदी बोल सकते हैं इसको खरपतवार, कि जब हम अपनी जो फसल उगाते हैं तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं वीड्स। उनसे कोई अटैचमेंट नहीं होता, इसलिए फार्मर क्या करता है उनको उखाड़ता है और फेंक देता है। तो वैसे ही बच्चे हैं, इनका भी किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, दीज आर विदाउट एनी अटैचमेंट। तो फिर डिवाइस है सिमली, लाइक रूटलेस वीड्स सिमली डिवाइस इज यूज्ड हियर। द हेयर टोन राउंड देयर पेलर, अब यहाँ पे उनके जो हेयर है उनके बालों को डिस्क्राइब किया गया है कि उनके बाल की बालों की कंडीशन क्या है, टोन राउंड। टोन राउंड मीन्स स्कैटर डिसऑर्डरली, मीन्स स्कैटर डिसऑर्डरली कि अस्त व्यस्त बिखरे होना। देयर पैलर, पैलर मीन्स पेल फेसेस। अब यहाँ पे किसके फेसेस पेल है, जो ये चिल्ड्रन है, स्लम चिल्ड्रन है, इनके फेसेस पेल है और इनके जो बाल है वो कैसे है, वो अनकोम्ब्ड है और उनके फेस पे डिसऑर्डरली वो एयर है, वो स्कैटर्ड है, वो बिखरे हुए हैं। द हेयर टोन राउंड देयर पैलर, उनके जो हेयर है वो उनके पैलर पे, उनके पेल फेसेस पे डिसऑर्डरली स्कैटर्ड है, उनके फेसेस है वो पेल क्यों है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन और यू कैन से ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। द टोल गर्ल विद हर वेव डाउन हेड, द टोल गर्ल, अब यहाँ पे टोल, ये टोल वर्ड है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे इसने गर्ल को डिफाइन कर रखा है कि ये बाकी बच्चों से क्या है, टोल है। तो यहाँ पे टोल वर्ड है वो एडजेक्टिव है जो भी गर्ल को डिफाइन कर रखा है। अब यहाँ पे वो डिस्क्राइब करता है कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को जो उस क्लासरूम में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले उसने डिस्क्राइब किया एक गर्ल को, हु इज टोलर देन अदर विद हर वेट डाउन हैंड। वेट डाउन, वेट डाउन मीन्स बेंड डाउन, बेंड, कि जो टोल गर्ल है उसका हेड है वो क्या है, वो डेस्क पे झुका हुआ है, वो हेड डाउन करके बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है, ड्यू टू डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में है, इसलिए क्या है उसका हेड है वो डाउन है। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय, हियर डिवाइस इज मेटाफर, यहाँ पे मेटाफर डिवाइस का यूज है। मेटाफर डिवाइस में कंपैरिजन गिवन होता है, तो यहाँ पे भी कंपैरिजन गिवन है, कंपैरिजन बिटवीन ए पेपर एंड ए बॉय। पहले उसने गर्ल को डिफाइन किया, उसके बाद एक बॉय को डिफाइन किया जा रहा है कि लड़का कैसा है, ये पेपर जैसा है, एज ए पेपर इज व्हाइट एंड थिन, इन द सेम वे द बॉय इज थिन, दोनों ही वीक है। पेपर आपने नोटबुक का बुक का देखा हुआ कितना कमजोर सा होता है, वो पतला सा होता है, तो वैसे वो बॉय है, वो भी कैसा है, पेपर जैसा दिख रहा है वो, द बॉय इज लुकिंग लाइक ए पेपर। तो यहाँ पे डिवाइस है मेटाफर। विद रेड्स आईज, अब आगे इसी बॉय को डिस्क्राइब कर रखा है कि इसकी आईज कैसी है, लाइक ए रेड। अब रेड की आईज कैसी होती है, देखा होगा आपने कि रेड की आईज, एज रेड्स आईज आर ग्रीडी एंड फुल ऑफ हंगर, इन द सेम वे दैट बॉयज आईज आर ग्रीडी एंड फुल ऑफ हंगर। आपने रैट देखा होगा घरों में कि रैट किस चीज के पास आता है, वापिस जाता है, आता है, वापिस जाता है, क्योंकि उसकी आंखों में क्या होती है, भूख होती है, उसका वो बहुत ही ग्रीडी होता है। तो वैसे ये बच्चे हैं, सेम वैसे ही लड़का है, ये भी इसकी आईज कैसी है, रैट्स आईज जैसी। तो यहाँ पे भी डिवाइस मेटाफर बिकॉज ऑफ कंपेरिजन। द स्टंटेड अनलकी एयर, स्टंटेड, स्टंटेड मीन्स अनडेवलप्ड, जिसका डेवलपमेंट प्रॉपर वे से ना हुआ हो। अनलकी, अनलकी मीन्स अनफॉर्चुनेट। एयर, एयर मीन्स सक्सेसर, उत्तराधिकारी। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मीन्स बेंट, मुड़ी होना, बोन्स। अब यहां तक एक्सप्लेन करती हूं मैं कि जो बॉय है, कौन सा बॉय, जो पेपर जैसा दिखता है, जिसकी आईज है वो कैसी है, ग्रीडी और फुल ऑफ हंगर है, उसी बॉय की बात हो रही है कि वो कैसा है, ही वॉज अनडेवलप्ड, उसकी बॉडी का डेवलपमेंट प्रॉपर वे से नहीं हुआ। अनलकी, एंड ही इज अनफॉर्चुनेट सक्सेसर ऑफ हिज फादर, वो अपने फादर का सक्सेसर तो है लेकिन वो लकी नहीं है, वो अनलकी, वो अनफॉर्चुनेट सक्सेसर है। क्यों,
बिकॉज ही हैड डिफॉर्म्ड बॉडी, उसकी जो बॉडी है वो डिफॉर्म्ड है. डिफॉर्म बॉडी क्या होती है, जिसमें हमारी जो बोन्स है वो मुड़ जाती है, बॉडी में कोई कमी होती है, तो उसको हम बोलते हैं डिफॉर्म्ड बॉडी. अब ये जो बॉय है ये कैसा है, ये अनडेवलप भी है. क्यों? अगर इसका डेवलपमेंट प्रॉपर वे से होता तो इसकी बोन्स कैसे नहीं होती, बेंट नहीं होती. ये अनलकी कैसे है, क्योंकि इसकी डिफॉर्म्ड बॉडी है, इसलिए क्या है ये अनफॉर्चुनेट है. और ये क्या है, सक्सेसर अपने फादर का. ऑटिस्टिक बोन्स, अब उसकी बॉडी डिफॉर्म्ड कैसे है, बिकॉज ही हैड हिज बोन्स आर बेंट, सो ही हैड डिफॉर्म्ड बॉडी. रिसाइटिंग है फादर्स नर्व डिजीज, अब ये बॉय क्या कर रहा है, ही इज रिसाइटिंग हिज लेसन, वो अपने लेसन रिसाइट कर रहा है. और लेसन में डिसाइड क्या कर रहा है वो, ही इज रिसाइटिंग हिज फादर्स नर्व डिजीज. नर्व मीन्स नोटी, नोटी मीन्स गांठदार, ऐसी बीमारी जिसमें गांठें होती हैं, तो उसको ये बोला गया है नर्व डिजीज. इसका मतलब क्या है कि जो बीमारी उस बच्चे को है, उसे बीमारी कहां से मिली है, अपने फादर से मिली है. इसका मतलब है कि उसके फादर को भी सेम डिजीज है. वो क्या कर रहा है, रिसाइटिंग, ही वॉज इनम्ब्रेटिंग हिज फादर्स नोटी डिजीज, अपने फादर की डिजीज को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है वन बाई वन. हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और यही इसका लेसन है. और इस लेसन को कहां से डिस्क्राइब कर रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपनी बेंच पे बैठा बैठा ही वो रिसाइट कर रहा है. बिकॉज ही इज नॉट एबल टू स्टैंड, बिकॉज ही हैज डिफॉर्म्ड बॉडी. एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अब यहां पे क्लासरूम को डिस्क्राइब कर रखा है. डिम, डिम मीन्स नॉट क्लियर. हाउ इज द क्लासरूम, द क्लासरूम इज डिम बिकॉज देयर वॉज नॉट प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट, कोई लाइट का अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि वो स्लम एरिया की क्लास है, तो उसमें कोई भी लाइट अरेंजमेंट नहीं है, तो क्लासरूम डिम है. और उस डिम क्लासरूम के बैक में क्या है, वन अननोटेड, एक और स्टूडेंट को ऐसे डिस्क्राइब कर रखा है, जो कि कैसा है, अननोटेड है. अननोटेड मीन्स अननोटिस्ड, जिसको देखा नहीं गया, जो दिखाई नहीं दे रहा है. क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज ही वॉज सिटिंग एट द बैक, वो बैक में बैठा हुआ है, पीछे बैठा है क्लासरूम में. और क्लासरूम कैसी है, क्लासरूम डिम है, वहां पे कोई भी लाइट का अरेंजमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई ही इज अननोटिस्ड. स्वीट एंड यंग, हाउ ही लुक, ही इज स्वीट एंड यंग, वो दिखने में स्वीट और यंग है, क्लास के बैक में बैठा हुआ है, क्लासरूम डिम है, इसलिए वो कैसा है, वो अननोटिस्ड है. His eyes live in a dream. अब इसी बॉय की बात हो रही है कि उसकी आईज कैसी है, ड्रीमी आईज. जो बॉय बैक में बैठा हुआ है उसकी आईज कैसी है, He has dreamy eyes. अब उसकी ड्रीमी आईज क्यों है, Of scarce game. Because he is dreaming about scarce game. कि जो लड़का है वो पीछे बैठा हुआ है, वो क्लासरूम में तो है लेकिन वो देख कहां पे रहा है, आउटसाइड द क्लासरूम. और बाहर क्या हो रहा है, वहां पे एक ट्री है, ट्री में एक होल है, और एक जो स्केयर, स्केयर क्या होती है, गिलहरी, वो क्या करती है, वो ऊपर आती है होल में, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है होल में, फिर जाती है, वो क्या कर रही है, वो खेल रही है. तो बॉय भी क्या कर रहा है, ही इज ड्रीमिंग अबाउट स्केयर्स गेम, उन स्केयर्स गेम का वो ड्रीम ले रहा है. ही इज ड्रीमिंग अबाउट हिज ब्राइट फ्यूचर, उसके बहुत सारे आईज में, उसकी आईज में ड्रीम्स है. इसका मतलब उसकी आईज कैसी है, ड्रीमी है. हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, ही हैज ड्रीमी आईज ऑफ स्केयर्स गेम, उसका ड्रीम क्या है, ही इज ड्रीमिंग अबाउट स्केयर्स गेम इन द ट्री रूम. अब स्केयर्स कहां पे है, ये ट्री रूम. अब ट्री रूम का मतलब क्या है, ए प्लेस इन द ट्री, जो होल बताया था मैंने जिसमें वो स्केयर प्लेइंग कर रही है, तो उसको बोला गया है रूम. अदर देन दिस, जो बॉय है उसके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, अदर देन दिस, ही इज ड्रीमिंग अबाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस डल क्लासरूम. वो उस डल क्लासरूम को छोड़ के हर एक चीज के सपने ले रहा है, वो अपने ब्राइट फ्यूचर के, स्केयर्स गेम के, उसके बहुत सारे सपने हैं, लेकिन वो किसके सपने ले रहा, इस डल क्लासरूम के, या फिर दिस मीन्स दिस डल क्लासरूम. तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये स्टैंजा समझ में आ गया होगा. Now, in second stanza, on sure green walls,
Donations, Shakespeare's head. Cloudless at dawn, serialized dome riding old cities. Belt, Flurry, Tyrolese Valley, ये वैली का नाम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है. ओपन हैंडेड मैप. अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एंड येट फॉर द चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग. अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लिट स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स. अब इस स्टैंजा में क्या बताया गया है कि सबसे पहले डिस्क्राइब कर गया कि जो क्लासरूम की वॉल्स है उनको डिस्क्राइब किया गया है ऑन श्योर क्रीम वॉल्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है कि डिस्क्राइब द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम. तो क्लासरूम की वॉल्स कैसी है श्योर क्रीम. दे आर क्रीमी इन कलर. श्योर क्रीम मीन्स ऑफ वाइट. द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर ऑफ वाइट इन कलर. दे आर नॉट फ्रेश पेंटेड. वो फ्रेश पेंटेड नहीं है. उनका कलर है वो ऑफ वाइट है क्रीमी है. द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम का स्मेली उनमें से फाउल स्मेल आ रही है. डोनेशंस. डोनेशंस मीन्स थिंग्स गिवन एज ए गिफ्ट. जो थिंग्स एज ए गिफ्ट दी जाती है उनको यहाँ पे डोनेशंस बोला गया है. अब यहाँ पे जो ये स्लम एरिया का स्कूल है इसमें टाइम टू टाइम कुछ विजिटर्स विजिट करने के लिए आते हैं और कुछ डोनेशन देके जाते हैं. उस डोनेशन से कुछ पोस्टर है वो परचेज किए गए हैं और वो पोस्टर उस क्लासरूम की वॉल्स पे लगा रखे हैं. तो उन पोस्टर्स में सबसे पहला पोस्टर किसका है शेक्सपियर्स हेड. अब यहाँ पे शेक्सपियर्स हेड ये रिप्रेजेंट करता है कल्चर एजुकेशन इंटेलिजेंसी इन सबको रिप्रेजेंट करेगा एंड राइजिंग सन. इन चारों को रिप्रेजेंट करेगा शेक्सपियर्स हेड. अब शेक्सपियर पता ही है इनका इंग्लिश में बहुत ज्यादा कोऑपरेशन रहा है. तो जो फर्स्ट पोस्टर है वो किसके बारे में है अबाउट शेक्सपियर्स हेड मीन शेक्सपियर का फेस का जो एक पोस्टर है वो उस क्लासरूम के वॉल्स पे लगा हुआ है. बट दिस पोस्टर इज यूजलेस फॉर स्लम चिल्ड्रन. ये उनके लिए यूजलेस है. यूजलेस क्यों है बिकॉज दे डोंट नो अबाउट विलियम शेक्सपियर. दे डोंट नो अबाउट हिज अचीवमेंट. उनको नहीं पता कि विलियम शेक्सपियर कौन थे उनका अचीवमेंट क्या था उनके क्या वर्क्स थे. अकॉर्डिंग टू देम ही इज ओनली जस्ट बाल्ड हेडेड पर्सन. उनके अकॉर्डिंग तो क्या है वो बाल्ड हेडेड पर्सन है जो कि क्लासरूम में लगाया हुआ है. तो ये पोस्टर है वो उनके लिए क्या है यूजलेस है. यूजलेस क्यों है अभी इसका आंसर मैंने बताया आपको तो शायद क्लियर हो गया होगा. नाउ सेकेंड पोस्टर. सेकेंड पोस्टर दिस पोस्टर रिप्रेजेंट्स अर्ली मॉर्निंग सीन. ये अर्ली मॉर्निंग सीन को रिप्रेजेंट करेगा क्लाउडलेस एट डॉन. हियर डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग बिफोर द सनराइज. जो बहुत ही सुबह का टाइम होता है उसको यहाँ पे डॉन बोला गया है. अब ये सेकेंड पोस्टर है इसमें एक बहुत ही प्लीजेंट मॉर्निंग है वो उसको डिस्क्राइब कर रखा है. अब जो प्लीजेंट मॉर्निंग कैसे है बिकॉज देर वॉज नो क्लाउड इन दैट सीन इन दैट पिक्चर. उसमें कोई भी क्लाउड नहीं है. द वेदर वॉज वेरी प्लीजेंट. बट दिस पोस्टर इज अगेन यूजलेस फॉर द चिल्ड्रन. ये भी उनके लिए क्या है यूजलेस है. क्यों बिकॉज दे नेवर एंजॉय सच काइंड ऑफ मॉर्निंग. देयर ओन मॉर्निंग इज डस्टी फुल ऑफ डस्ट. खुद की मॉर्निंग कैसी है उनकी बहुत ही बेकार है. इतनी प्लेजेंट मॉर्निंग को कभी एंजॉय किया ही नहीं है. तो ये भी क्या उनके लिए यूजलेस है. नेक्स्ट है सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ओल्ड सिटीज. अब एक और पोस्टर है वो उस क्लासरूम की वॉल्स पे हंग रखा है. वो पोस्टर किसका है एक डेवलप्ड सिटी का है. सिविलाइज्ड डोम. डोम मीन्स बिल्डिंग. राइडिंग ओल्ड सिटीज. अब यहाँ पे क्या है एक सिटी है उसमें हाई डोम्स है हाई बिल्डिंग्स हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये फ्रेम होता है कि हाउ कैन यू से द सिटी इज सिविलाइज्ड डेवलप्ड सिटी है. क्यों कैसे कह सकते हो उसमें बहुत सी हाई बिल्डिंग्स हैं. हाई बिल्डिंग्स ऑब्वियसली वो सिटी कैसी है वो डेवलप्ड सिटी है. देर आर मेनी हाई बिल्डिंग इन दैट सिटी सो दिस सिटी इज डेवलप्ड सिटी. दिस पोस्टर रिप्रेजेंट्स ए डेवलप्ड सिटी.
But again, this poster is useless for the children. Why? Because they never visit such kind of place, such kind of city. Their whole life they spend in their dirty area. So this is again useless for the children. Next, belt, flurry, tyrolese, belly. Belt. Belt means having music. Flurry. Flurry means flurry. Tyrolese valley. Tyroli, name of a valley. Ye Tyrolese valley hai. Ye Austria mein hai. Austria place, you know. And this poster represents natural beauty. Ye natural beauty ko represent karega. Kyunki isme kya hai? There are many flowers and music in that valley. So this poster represents natural scene, natural beauty. Next, ye bhi poster hai jo classroom mein laga hua hai. ओपन हैंडेड मैप, एक मैप है जो ड्रॉ किया गया है और वो मैप है वो क्लासरूम की बोर्ड से हंग कर रखा है. वो मैप कैसा है? वो है ओपन हैंडेड मैप. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय ओपन हैंडेड मैप. तो ओपन हैंडेड मैप क्या होता है? ए मैप ड्रॉन बाय रिच पीपल एंड डिक्टेटर्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल. ए मैप drawn by rich people and dictators according to their own will. कि जो rich people होते हैं उनका अपनी मर्जी से draw किया गया map, open hand means उनके according तैयार किया गया map, उसको हम क्या बोलेंगे? Open handed map. अब ये map भी क्या है? उसी classroom में टंगा हुआ है. But this poster is again useless for the children. Why? Because in that map slum area is not properly mentioned. Mentioned but not properly mentioned. क्योंकि this people ने क्या कर रखा है? पूरे map में high building है वो draw कर रखी है. Slum area वो छोटे से area में उन्होंने draw कर रखा है. Mention तो कर रखा है. उसको ignore तो नहीं कर सकते वो. लेकिन एक छोटे से area में उनको उसको mention कर रखा है. तो ये poster उनके लिए क्या है? Useless है. Because in open-handed map their own area is not properly mentioned. Avoiding the world, its world. अब rich people क्या करते हैं? Avoiding the world. Avoiding. Avoiding means giving as award. अपने world को क्या करते हैं? वो poor people पे impose कर देते हैं. Rich people impose their world on poor people. कि वो impose मतलब क्या होता है? कोई चीज जबरदस्ती थोप देना. Rich people impose their world on poor people. वो अपने world को किस पे impose कर देते हैं? Poor पे वो impose कर देते हैं. And yet for the children slum children, but for the children, लेकिन इन children के लिए क्या है? These windows. स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से देखना कि ओपन हैंडेड मैप क्या होता है, कौन चीज किसको रेफर कर रही है. दीज विंडोज, दिस मैप, देयर वर्ल्ड, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में, तो उसको केयरफुली देखना. दीज विंडोज इन चिल्ड्रन के लिए क्या है? ये दीज विंडोज. दीज विंडोज कौन सी? वेयर दे आर सिटिंग प्रेजेंटली एंड देयर सराउंडिंग. जहां वो बैठे हुए हैं उनके आसपास का एरिया वो क्या है? वो उनका खुद का है. Note this map. वो map उनका नहीं है. कौन सा map? Open handed map. जो कि कहाँ पे है? जो कि walls पे hung है, वो उनका खुद का नहीं है. क्यों नहीं है? Because in that map their own world is not properly mentioned. Note this map. वो map उनका है नहीं. Their world. यहाँ पे कौन सा world? Rich world. Because in rich world, उस rich world में उनका future कैसा होगा? Where all their future, जहाँ पे उनका future, किसका future? Slum children's future. वहाँ पे उनका future कैसा है? Painted with a fog. Fog means क्या होता है? Mist, धुंध, जिसमें से कुछ भी मेकेटर दिखता नहीं है, उसको हम fog बोलते हैं. कि जो rich people world है, उसमें slum area के जो बच्चे हैं, उनका future कैसा है? Fog से paint कर दिया. अब fog से paint करने का मतलब क्या है? In the rich world slum children's world, slum children's future is not clear. Their future is uncertain, bleak, dark. उनके world में उनके कोई भी progress possible नहीं है. A narrow street sealed in. A narrow street. Street means lane. Narrow means limited.
उनके प्लेस की बात हो जहां पे रहते हैं उनका एरिया कैसा है बहुत ही लिमिटेड है। आपने देखा होगा स्लम एरिया पे जो बच्चे हैं या स्लम के जो लोग कैसे रहते हैं उनके छोटे छोटे घर रहते हैं उनमें सफिशियंट तो दो दिन के लिए होता है वो उसी में सात आठ उसी में रहते हैं उनकी मजबूरी होती है। तो यही बात बोली गई है कि वो कैसे उनका जो नैरो प्लेस उसने क्या कर रखा है नैरो स्ट्रीट सील्ड इन कि उनकी प्रोग्रेस को तो ब्लॉक कर रखा है सील कर रखा है क्लोज कर रखा है किसने उसकी नैरो उनकी नैरो लेन्स ने उनके लिमिटेड एरिया ने विद अ लीव स्काई। वो कहां पे रहते हैं दे लिव अंडर डस्टी स्काई उनका एरिया कैसा होता है धूल भरा होता है क्योंकि बहुत गंदगी होती है धूल उड़ती रहती है इसलिए वो डर्टी स्काई डस्टी स्काई के नीचे अपना गुजारा करते वहीं पे रहते हैं वो। फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड अगेन द पोइट यूज फार फॉरवर्ड टू टाइम्स सेम आंसर सेम डिवाइस रिपीटेशन डिवाइस द पोइट यूज दिस फॉरवर्ड टू टाइम्स टू शो लार्ज डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम रिवर्स दी चिल्ड्रन आर वेरी फार अवे फ्रॉम रिवर्स रिवर्स मीन्स हैप्पीनेस ये हैप्पीनेस से बहुत ही दूर है। केव्स केव्स मीन्स अ प्लेस ऑफ हाई लैंड स्टिंकिंग आउट इनटू अ सी जो सी में एक एरिया ऊपर उठा होता है उसको यहां बोला गया है केव्स कि ये यहां पे हम इसको बोल सकते हैं ओपननेस। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स स्टार्स ऑफ वर्ड्स मीन्स एजुकेशन The children are very far away from happiness, openness and education. ये उनसे बहुत ही दूर है। अब यहाँ पे stars of words, इसमें device and metaphor. Metaphor कैसे है कि as stars are very far away from us, in the same way education is very far away from them. उनके लिए education बहुत ही दूर है। तो यहाँ पे device कौन सी हो जाएगी? Metaphor device का यूज हो जाएगा यहाँ पे और कौन सा पोस्टर किसको डिस्क्राइब कर रखा है ये सब आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।